शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। श्रीमती सुशीला धाकड़, पत्नी कन्हैया लाल धाकड़, सरपंच ग्राम पंचायत डोंगरपुर मानगढ़, मृत किशोर शर्मा सचिव ग्राम पंचायत डोंगरपुर मानगढ़ एवं ग्राम पंचायत के समस्त सदस्यों की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। महगांव तहसील में जिले भर के वृद्ध जनों को 26 जनवरी 2021 में रत्न ज्योति नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण व नेत्र परीक्षण शिविर महगांव नेशनल हाईवे 92 पर अशोक भारद्वाज जी के निजी निवास पर कैंप लगाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर पुरेंद्र भसीन रत्न ज्योति नेत्रालय ग्वालियर से टीम द्वारा परीक्षण करेंगे। कार्यक्रम में संयोजक अशोक भारद्वाज जी, जिन्होंने 2 मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले किए हैं, इन नंबरों पर आप फोन कराकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर है 9977585293, 9009481022। इन नंबरों पर संपर्क करें। नेत्र परीक्षण के लिए जाने वाले वृद्ध अपना आधार कार्ड अवश्य लेकर आएं, जिससे निःशुल्क नेत्र परीक्षण साथ ही लेंस प्रत्यारोपण किया जा सके। इनके लिए क्या नंबर निर्धारित किए उसको भी डिस्प्ले करना चाहेंगे? 2 मोबाइल नंबर हैं, देव चौधरी और हरिओम बघेल, तो दोनों पर्चे पर लिखे हैं। मेरे पीछे जो बैनर लगा है शायद उस पर भी दोनों नंबर लिखे हैं। अगर आप चाहें तो वो नंबर इस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। बताए सर, जैसे नेत्र के लिए कई लोग परेशान रहते हैं, आखिर इसके लिए हम कैसे अपने आप को आपके यहाँ संस्था में पंजीबद्ध कराएं, इस पंजीबद्ध के लिए कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? कॉन्टैक्ट करने के लिए हमने 2 मोबाइल नंबर रखे हैं, 2 लोगों को निर्धारित किया हुआ है। एक देव चौधरी जी हैं, देव चौधरी जी का नंबर है 9977585293। दूसरे हरिओम बघेल जी हैं 9009481022, हरिओम बघेल जी हैं। आप अगर पंजीयन करा लेंगे तो आपको सुविधा रहेगी, यहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। क्या पिछली बार 1000 के आसपास लगभग लोगों का परीक्षण हुआ था, इसमें से 200 से ऊपर ऑपरेशन हुए थे। बिना पंजीयन कराए लोग अगर आते हैं तो थोड़ी सी समस्या रहेगी, उनको लाइन में लगना पड़ेगा, हो सकता है 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर पंजीयन करा लेंगे तो पंजीयनकर्ता हमारे चौधरी जी या हरिओम बघेल जी ये बता देंगे कि आपको 3 बजे आना है या आपको 11:30 बजे आना है, आपको 2:30 बजे आना है। तो उस असुविधा से बचने के लिए हमने पंजीयन की व्यवस्था की हुई है। वाहन भी लगाए जाएंगे जगह जगह, वाहन लगाए ग्वालियर भेजने के लिए यहाँ से बसों की व्यवस्था की जाएगी। घर से आने के लिए कोई ऐसी वाहन की व्यवस्था अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं आप, इसकी व्यवस्था आप स्वयं आ जाएं अपने परिवार के जनों के साथ। टोकन नंबर भी ऐसा कोई वितरित भी होगा कि आपके माध्यम से कि व्यक्ति को टोकन मिले, टोकन के साथ ही उसकी एंट्री हो, नहीं अदरवाइज विवादित स्थिति पैदा हो जाती है कि पहले हमारा नंबर था अब इनका नंबर नहीं? उसके लिए पहले से ही अगर पंजीयन करा रहे हैं तो आपको समय बताया जा रहा है, उस समय पर आप उपस्थित हो जाएंगे। यहाँ आने वाले लोगों को टोकन जारी किए जाएंगे, जहाँ यहाँ जैसे 10 बजे आएगा उसको 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे जैसे जैसे लोग आएंगे टोकन जारी करेंगे, सीरियल से उसके नंबर आ जाएंगे। कितने लोगों की व्यवस्था की गई है नेत्र प्रत्यारोपित करने के लिए? नहीं, व्यवस्था तो 1000 लोग पिछली बार आए थे, तो उम्मीद करते हैं इस बार उससे कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही लोग आएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता तक, जो कि आपका मैसेज पहुँच रहा है निश्चित तौर पर आपके इस कार्य में सभी लोग अपनी भागीदारी भी लें? जनता से मेरा निवेदन है कि अपने आसपास जहां भी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जहां तक लोग समझ रहे हैं, अगर कोई असहाय व्यक्ति है आसपास, उनके आसपास भी कोई है जो सुन रहे हैं, उनके आसपास कोई है, माता है, बहन है, अगर कोई ऐसा परिवार में सदस्य है जो आँख का ऑपरेशन कराने वाले नहीं जा सकता, बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ नहीं है, उनको ये बताएँ और लेके आने में सहयोग करें, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों पर बता दें कि उनके पास आने की व्यवस्था नहीं है, तो वो भी हम कोशिश करेंगे उनको घर से बुलवा लेंगे।